नमस्कार, राम राम। कैसे हैं किसान भाइयों? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 28 सितंबर 2024, दिन हो चुका है आज शनिवार का। जानेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज के भाव क्या हैं, कितनी गाड़ियों की आमदनी पहुंची है, ग्राहकी आज कैसी क्या देखने को मिल रही है, और कल के मुकाबले आज प्याज के भाव में क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है। कम्प्लीट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और जो भी प्याज के अपडेट बताएंगे वो 40 किलो मन के हिसाब से और किलो के हिसाब से प्याज के अपडेट। तो अपडेट को पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान मित्रों तक पहुंचे। तो चलिए किसान मित्रों, जान लेते हैं आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज के भाव क्या है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे आज ताजा फ्रेश अराइवल की। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में जो आमदनी पहुंची है, मोटा मोटा मान के चलिए आप 60 से 70 गाड़ियों की आमदनी पहुंची है, और टोटल अगर हम गाड़ियों की बात करें ऊपर नीचे और बैलेंस को मिलाकर तो लगभग 125 से 130 गाड़ियां खड़ी हैं बिक्री के लिए। और किसान भाइयों, अगर हम प्याज के भाव की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज के भाव में कुछ रौनक नजर आ रही है। आज जो है बाजार गर्म है, क्योंकि आज दिन है शनिवार का, तो शनिवार के दिन जो है ग्राहकी डबल रहती है, ग्राहकों की जो है सुबह सुबह लाइन लगी हुई है, और किसान भाइयों प्याज की जो डिमांड है आज फुल डिमांड नजर आ रही है। तो आज लगभग किसान साथियों 40 से 45 गाड़ियां बिकने की उम्मीद है। और किसान भाइयों, अगर हम प्याज के भाव की बात करें दिल्ली आजादपुर मंडी में आज, तो प्याज के भाव में कुछ रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि आज दिन है शनिवार का। शनिवार के दिन जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में ग्राहकी डबल रहती है, मंडी डबल रहती है आज के दिन। और प्याज के भाव की बात करें तो आज कुछ चमक बनती नजर आ रही है। किसान साथियों, स्टेट बाय स्टेट जानेंगे आज दिल्ली आजादपुर मंडी में कहां कहां के प्याज के क्या भाव आज खुले हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे राजस्थान के प्याज की, तो राजस्थान के प्याज की पोजीशन आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 1500 रुपए से लेकर 1750 रुपए प्रति मन के बीच में। इसका असर जो है किसान भाइयों, नेफेड और एनसीसीएफ का जो प्याज दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ियां पहुंच रही हैं, उसका असर जो है प्याज के भाव के ऊपर अब देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान के प्याज की पोजीशन आज 1500 रुपए से लेकर 1750 रुपए प्रति मन के बीच में। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्याज की, तो मध्य प्रदेश के प्याज की पोजीशन आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 1700 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति मन के हिसाब से। वैसे तो अब जो है मध्य प्रदेश में प्याज बहुत ही कम बचा है, बहुत ही कम मात्रा में अब जो है मध्य प्रदेश की गाड़ियां दिल्ली आजादपुर मंडी में पहुंच रही है। और जो नेफेड और एनसीसीएफ है किसान भाइयों, उसकी गाड़ियां अब दिल्ली आजादपुर मंडी में ज्यादा पहुंच रही हैं। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ बात करेंगे नासिक के प्याज की, तो नासिक के प्याज की पोजीशन आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 1700 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति मन के हिसाब से, यानी 42 रुपए से लेकर 45-46 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और जो हल्की एवरेज क्वालिटी का प्याज है उनकी पोजीशन आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 1500 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति मन के बीच में। और किसान भाइयों, इसके साथ साथ बात करेंगे पुणे के प्याज की, तो पुणे के प्याज की पोजीशन आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 1700 रुपए से लेकर 1800-1900 रुपए प्रति मन के हिसाब से, 1900 रुपए प्रति मन के हिसाब से जो प्याज की बिक्री हुई है वो मासाकोर प्याज की बिक्री हुई है। और वरना दिल्ली आजादपुर मंडी में अगर हम प्याज के भाव की बात करें तो सबसे ज्यादातर जो आज प्याज का भाव रहा वो 1700 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति मन के बीच में। किसान भाइयों, आप लोग लगातार जो है आपकों पर संयम रखते आ रहे हैं, लेकिन जो है नेफेड और एनसीसीएफ की जो गाड़ियां पहुंच रही हैं उसी के चलते जो है मंडी में आमदनी भर गई है, और प्याज के भाव में ₹2 का मार्केट टूट भी चुका है। लेकिन आज दिन है शनिवार का, कुछ मार्केट टाइट है, तो आप जो है अपने प्याज को किसान भाइयों बेचते चलो, रोको मत, क्योंकि ठीक ठाक भाव मिल रहे हैं प्याज के। तो किसान भाइयों, ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी से प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो और चैनल के माध्यम से दिया।